हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट मील रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत में खाने के लिए भिंडी कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी, और साथ में कट्टू और सिंघारे की रोटी आप कैसे बना सकते हैं। तो ये आटा मार्केट में मिल जाता है, आप इसकी रोटी बनाकर व्रत में खा सकते हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए आपको लेना है कट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा, ये अलग अलग मिलता है। इन दोनों को आप मार्केट से खरीद ले आइए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ही एक साथ छान लिया था और मिक्स कर लिया था। इसका डो तैयार करने से पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ मत कीजिएगा, थोड़ा पानी सफिशेंट होता है। परफेक्टली डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा ले लीजिए कट्टू और सिंघाड़े का ही आटा, इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, इस तरीके से इसको बना दीजिए। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए इसका शेप कितना ज़्यादा अच्छा आया है, क्योंकि इसका जो डो है वो परफेक्टली तैयार हुआ था। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। इसको इस तरीके से सेक लीजिए और ये बनकर तैयार हो गई कट्टू और सिंघाड़ा की रोटी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, व्रत में भी आप खा सकते हैं भिंडी, पर इसको बनाने का तरीका अलग होता है। तो इसके लिए आप कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिए, जो भी आप खाना बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद इसमें डाल देनी है कटी हुई हरी मिर्च, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग। और उसके बाद इसमें कटी हुई भिंडी डाल दीजिए और इसके बाद इसको थोड़ा सा चला लीजिए। इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय नमक के। तो यहाँ पे सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट आप इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने के लिए गैस पर लो फ्लेम पर ढककर रख दीजिए और ये भिंडी तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भिंडी इस तरीके से भी आप बना सकते हैं व्रत में खाने के लिए। और इसको कट्टू और सिंघाड़ा की रोटी के साथ खाएंगे तो ये बेहद और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और व्रत में ये बनाकर ज़रूर खाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।